तेरी, तुझको पढ़ा है तू है। अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया में शादी करने की उम्र क्या है, तो अगर आप इंडिया के रहने वाले हैं और इंडिया के कानून को जानते होंगे तो यही कहोगे कि लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए और लड़की की उम्र 18 साल हो। लेकिन अगर क्या हो कि इससे कम उम्र में लोग शादी करके बैठ जाएं। आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे कपल्स वायरल हो रहे हैं जिन्होंने वीडियो तो साथ में बनाए ही लेकिन वो शादी भी कर चुके हैं। ये शादी का मतलब भी पता नहीं है कि शादी होती क्या है। शादी एक अटूट बंधन है, जिसके साथ जुड़ता है उसके साथ जन्मों के लिए जुड़ जाता है, ऐसे हमारे बड़े कहते हैं। लेकिन इन छोटे छोटे बच्चों को क्या पता कि ये शादी होती क्या है। जिन्हें आप प्यार से निब्बा और निब्बी कहकर बुलाते हैं, ये कपल सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि इन्होंने बहुत ही कम उम्र में शादी कर ली और वो भी फैमिली की रजामंदी से। लेकिन आप सिर्फ इस कपल के बारे में जानते हैं। आज के वीडियो में 5 ऐसे निब्बा निब्बी के बारे में जानेंगे जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में शादी कर ली। तो चलिए देर ना करते हुए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए मिलते हैं पहले कपल से। लड़के का नाम सिमल है, वहीं लड़की का नाम मनीषा है। ये लोग बहुत ज्यादा छोटे हैं। यहाँ लड़का 16 साल का है, वहीं लड़की 15 साल की है। ये लोग आपस में पड़ोस में रहते हैं और साथ साथ टिकटॉक वीडियो बनाने लगे थे। कुछ कारणवश मनीषा अपनी फैमिली के साथ और शिफ्ट हो गई थी। सिमल को लगा कि हम लोग 7-8 साल से एक साथ रह रहे हैं, हम दूर नहीं रह पाएंगे। और इन्होंने शादी भी अजीब तरीके से की। वो मनीषा के घर पहुंच गए पॉकेट में सिंदूर और मंगलसूत्र लेके अपनी दीदी के साथ, और मनीषा को प्रपोज कर दिया और मनीषा से कहा कि तुम मुझसे शादी करोगी। जैसे ही मनीषा ने हाँ कहा, सिमल ने पॉकेट से सिंदूर निकाल कर मांग में भर दिया और मंगलसूत्र पहना दिया और फैमिली की परमिशन से घर ले आए। अब ये साथ साथ रहते हैं और वीडियोस बनाते हैं। और शादी तो कर ली है, अभी सिमल जी के साथ अभी 2 दिन तक रहूँगी और इंस्टाग्राम में वीडियो बनाऊंगा। और आप लोग सब बहुत सारे सपोर्ट कीजिए। आइए मिलते हैं राजू और रोशनी से। राजू और रोशनी एक ही गांव के हैं। इन लोगों का घर एक दूसरे से कुछ ही दूरी पर है और ये लोग साथ साथ खेला करते थे और खेलते खेलते इन दोनों में प्यार हो गया। जब इनके प्यार के बारे में इनके घर वालों को पता चला तो घर वालों ने बहुत ज्यादा डांटा और शादी से साफ इनकार कर दिया। जब ये बहुत कहने पर घर वाले नहीं माने तो ये लोग भाग गए और भाग कर शादी कर ली। तब लड़के की उम्र 18 साल थी और लड़की की उम्र 16 साल। इनके घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट करा दी और पुलिस वालों ने इन्हें उठाकर थाने में डाल दिया एक रात के लिए। लड़के के चाचा ने लड़की के घर वालों को किसी तरह समझाया और इन लोगों को जेल से छुटा लिया और ये लोग अब लड़की के घर में रहते हैं। लेकिन लड़की की फैमिली अभी तक नहीं मानी है। रोशनी प्रेग्नेंट है और इनका बहुत जल्द एक बेबी होने वाला है। और ये बताते हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में शादी करने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। वैसे हम लोग जो अभी लव मैरिज किए हैं और आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं, उसके लिए तो थैंक यू सो मच। आप लोग को बोलेंगे ही, बट आप लोग में से कोई भी गलती आप लोग कभी भी करने की नहीं सोचना, क्योंकि देखिए हम लोग जो गलती किए हैं वो गलती के लिए मतलब पछतावा तो हम लोग को हुआ नहीं है, बट अगर ये चीज कोई करेगा तो पछतावा जरूर होएगा, क्योंकि हर किसी की फैमिली एक जैसी नहीं होती है। हमारी फैमिली थोड़ी अलग है सबकी थी, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आने दी उतना, तो हम लोग आज एक साथ हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने तीसरे कपल से जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल है, सहवाग और रिद्धि। सहवाग और रिद्धि की लव स्टोरी कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है कि जब सहवाग ने रिद्धि को देखा तो रिद्धि को देखकर दिल दे बैठे और ये दोनों एक दूसरे से मिलने लगे और बहुत ज़्यादा बात करने लगे। लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे, जिसके लिए सहवाग ने अपने घर पे बात की कि मैं रिद्धि से शादी करना चाहता हूँ। वहीं रिद्धि ने भी अपनी फैमिली से बात की और फैमिली की रजामंदी से इन दोनों ने शादी कर ली। इन लोगों को शादी की इतनी ज़्यादा खुशी थी कि ये लोग दिन भर कुछ खाए नहीं। जहाँ सहवाग अपनी उम्र 20 साल बताते हैं, वहीं रिद्धि अपनी उम्र 18 साल बताती है। सब लोग कहते हैं कि ये लोग गलत बता रहे हैं, इनकी ये एज हो ही नहीं सकती। तो आपको क्या लगता है कि इनकी क्या एज होगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आइए मिलते हैं अपने चौथे कपल से, गुड़िया और सुनील। गुड़िया सुनील बिहार राज्य के पटना जिले से बिलोंग करते हैं। गुड़िया और सुनील का घर 10 किलोमीटर की दूरी पर था। ये लोगों का एक दूसरे के गांव में आना जाना था, जिसकी वजह से इनमें प्यार हो गया और सुनील ने गुड़िया के घर वालों से हाथ मांगा। गुड़िया के घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया। लड़के की एज 17 साल थी और लड़की की एज 16 साल थी। घर वाले नहीं चाहते थे कि ये लोग इतने जल्दी शादी कर लें, लेकिन इन लोगों ने 2017 में 24 अप्रैल को शादी कर ली और वो भी कोर्ट मैरिज।
मैरिज। अब आप सोचेंगे कि इतनी छोटी सी उम्र में इन्होंने कोर्ट मैरिज कैसे की, तो इन्होंने एक वकील को पैसा दिया और उसने इनकी शादी करा दी और इस टाइम इनके दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। चलिए अब पांचवे कपल की बात कर लेते हैं। ये है अर्जुना हजारी और दिव्या हजारी। ये लोग 12th में मिले थे और एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। इतने अच्छे दोस्त बन गए थे कि एक दूसरे से बात के बिना नहीं रह सकते थे। इन लोगों का 12th ओवर हुआ, ये बहुत अच्छा गाते थे तो ये मुंबई चले आए स्ट्रगल करने। अर्जुना अपना लाइफ के स्ट्रगल में इतना खो गए थे कि इन लोगों का धीरे धीरे बात करना बंद हो गया। लेकिन एक बात आपने यहाँ नोटिस की कि ये एक दूसरे से बात किए बिना नहीं रह पाते थे, लेकिन अपने करियर में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे कि फर्स्ट प्रायोरिटी अपने करियर को दे रहे थे। चाहते तो ये भी अपने करियर को साइडलाइन करके एक दूसरे से दिन भर बात करते और एक दूसरे के प्यार में खोए रहते और शादी कर लेते, इन्हें कौन रोक पाता। लेकिन इन लोगों ने अपने करियर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। ये अपने करियर को बनाने में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए कि ये लोग एक दूसरे को भूल ही गए कि ये एक अच्छे दोस्त हैं। इन लोगों ने धीरे धीरे बात करना भी छोड़ दिया। लेकिन जब अर्जुना 27 साल के हुए और इनकी फैमिली से प्रेशर आने लगा कि अब तो शादी कर लो, तो अर्जुना को यही लगता था कि काश अगर दिव्या जैसी लड़की मिलती तो मैं शादी कर लेता, क्योंकि इन्हें लगता था कि मुझे 12 साल हो गए, अब तक तो दिव्या की शादी हो चुकी होगी। लेकिन अर्जुना को सोशल मीडिया के थ्रू एक म्यूचुअल फ्रेंड से पता चला कि दिव्या की शादी नहीं हुई है। अर्जुना बहुत ज्यादा खुश हुए और उन्होंने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया। इस तरह इनकी बातें होने लगी और फिर इन्होंने सोचा कि अब हम शादी कर लेते हैं, और फिर इन लोगों ने शादी कर ली। तब इनकी उम्र 28 साल थी। अर्जुना का एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे अपने व्लॉग शेयर करते हैं। इनका एक छोटा सा बेटा है। मैं आपको इस वीडियो से इतना ही बताना चाहता हूं कि आपकी लाइफ में आपके करियर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं होना चाहिए। इतनी छोटी सी उम्र में आप अपने करियर बनाने पर फोकस कीजिए। जो सोशल मीडिया पर आज कम उम्र में शादी करने का ट्रेंड चल रहा है वो बिल्कुल गलत है। मैं इस चीज़ का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं तो इस वीडियो को कर दीजिएगा शेयर। ऐसी अमेजिंग और रियल वीडियो के लिए हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हमारी वीडियो पहुंचे आप तक सबसे पहले उसके लिए बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।